मैं लाइव आ रही हूँ अपने टेंट तो टिकरी बॉर्डर दे उत्तों और माई पागो निवास वेखो साडे सामने बजुर्ग माता जी बैठे ने माई पागो दे वारसा जेडे की 80 साल दी उम्र है इन्हां दी और ए इत्थे आके टिकरी बॉर्डर दे उत्ते अपने किसानी हक्कां वास्ते आए ने विमेन्स डे ते आए सीगे और देख लो तुसी इन्हां दी हिम्मत नूं दाद देनी चाहीदी है भी ए इन्नी ज़्यादा उम्र दे विच वी आके इन्हां दे विच इन्ना ज़्यादा उत्साह है और ये आकर मतलब मैं को हिंदी में बात करनी चाहिए बेसिकली सारे सुन रहे हैं तो हिंदी में बात करती हूँ तो आप क्या कहना चाहोगे माता जी सभी को सभी लोग आपको देख रहे हैं की कहना चाहोगे माता जी पिंड चो ड्यूटियां लग दिया की कहना चाहते हो तुसी इस बिलां बारे ते मोदी सरकार बारे और किन क्योंकि 3 महीने तो असि बैठे हैं इत्थे हाँ 3 तो ज्यादा ही हो गए ते ए जो तक बिल रद्द नहीं होंगे उदो तक तुसी वापस नहीं जाओगे वेखो ये साडे हाँ साडे वास्ते ना इंस्पिरेशन ने बजुर्ग मावां जिहड़ियां माई भागो निवास दे विच बैठियां ने और अपने हक वास्ते लड़न वास्ते बैठियां ने सो सानू इहो जिहियां मावां दे वल वेख के शर्म करनी चाहीदी है कि जिहड़े लोकी हजे भी घरे बैठे है ना उहनां नू इस बॉर्डर दे उत्ते अपने हक्कां वास्ते लड़न वास्ते आउणा चाहीदा आ जिहड़ा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गर्मी दे विच माता तुहानू गर्मी नहीं लगदी तुसी इन्नी गर्मी दे विच मच्छर सीगा राती वेखो जी वेखो माता ने मच्छर दा रूप जेड़ा है वह मोदी साडे प्राइम मिनिस्टर नू मच्छर कहता वाह क्या बात है सो बेसिकली आई एम इन माई टेंट राइट नाउ माई पागो निवास और यहाँ पे हम बैठे हैं और इत्थे जिहड़े टेंट्स दे विच बहुत सारिया बजुर्ग औरतां भी आईया सीगियां और आ जुड़ियां सीगियां आके साडे नाल और कल रात भी मैनू काफी टाइम लग गया रात नू मैं लेट गई हाँ बिकॉज इत्थे बहुत ज्यादा मच्छर सीगा मच्छरदानियां असीं अरेंज कीतियां हुण भी पखा लाया है इत्थे बहुत गर्मी आ आई बिलीव कि कल मैं राती भी रिक्वेस्ट कीती सीगी जे कोई डोनेट करना चाहुंदा प्लीज छोटे कूलर डोनेट करियो ताकि ठंडा रवे कमरा और ठंडे रहन ए टेंट और टेंट मैं तुहानू एक मिनट दिखाउणा चाहुंदी हां बिकॉज तुहानू भी थोड़ा जिहा पता लग जूगा कि विच टेंट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो गर्मी में इतने ज्यादा गर्म होते हैं जैसे ये सी दीज टेंट्स और देखो सामने बापू जी हुणे भी लम्मे पए होए बापू जी तुहानू गर्मी नहीं लगदी वाधू लग रही है ना देखो अपना घर बार छड के इत्थे अपने हक्कां वास्ते बैठे ने और ए टेंट आ इहदे विच किन्नी गर्मी में पक्खे और हुणे बुलवाए आ कल भी मैं कहा सीगा सारे जाणियां नू की कहना चाहुंदे हो बापू जी तुसी हां जी वेखो तुसी इन्नी ज्यादा गर्मी आ इत्थे हना आ आ आ वाला बल्ब बंद कर देना होर सेक जांदा पिया आ इतनी ज्यादा गर्मी है इस बॉर्डर पे फिर भी देखो बुजुर्ग आके बैठे हैं वो 80 साल की बुजुर्ग औरत थी जो अंदर बैठे थे हना आप ही रिक्वेस्ट कर दे भी जिन्होंने भी डोनेट करना है ना पंखे छोटे कूलर डोनेट करें बहुत जरूरत है यहाँ पर टेंट्स में सो बेसिकली ये देखो ये टेंट्स हैं ये देखो ट्रॉली में
ये ट्रॉली है, ट्रॉली आपको पता है कितनी गर्म हो जाती है गर्मी में, गर्म हो जाती है ना ट्रॉली, मच्छर। हाँ जी, कोई गल नहीं वीरे, अज मैं पखे मंगवाए आ, है ना, तुहानू दवांगे पखे। सो दिस इज ए कंडीशन है इत्थे बॉर्डर दे उत्ते। सो बहुत सारिया माइया भी आके बैठिया ने एदे विच। सो मैं आपको दिखाती हूँ, सत श्रीकाल। ए देखो माइया, गर्मी लग रही थोनू, पखा चलिया कि नहीं चलिया? ठीक आ, एक्सपीरियंस दसो थानू, कल रात नू मच्छर लड़िया सीगा, है ना, मच्छरदानियां लातियां सीगियां सी। वेखो जे ए बुजुर्ग उठ के आ सकदे अपने पिंडां दे विचों ना, ते थानू जेहड़े घर बैठे ना उन्हां नू शर्म करनी चाहीदी ना, उन्हां नू इत्थे आउणा चाहीदा आ। तुसी दसो की कहना चाहोगे? ए ते पहले दिन तो जुड़े हुए ने साडे नाल इत्थे, और ए साडे सरपंच साहब ने, दसो तुसी अपना इत्थों दा एक्सपीरियंस दसो। असी तां इही कहना चाहवांगे जी, ये जिहड़ा अंदोलन है इहदे विच हरेक किसान नू भाग लेना चाहिए, हरेक मजदूर नू भाग लेना चाहिए। जिहड़ा किसान इहदे विच भाग नहीं लै रहा, असी तां उहनू किसान ही नहीं मनदे, क्योंकि जिहदे पेट दे लत वज रही अपने हरेक दे, जिहदे पेट लग्गा जिहने खाणा खाणा है, उस नू इस अंदोलन दे विच वध चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, वध चढ़ के भाग लेना चाहिए। नहीं तो मोदी सरकार ये सारा कुछ कारपोरेट घराणे नू सौंप दूगी, ते साडे हवाले ना साडियां जमीनां रहणियां ने, ना कुछ होर रहना, ते आउण वालियां नस्लां ने सानू माफ नहीं करना। वो सानू सवाल करिया करनगियां भी दादा जी, जदों ये कारपोरेट घराणे पूंजीपति लोग साडे तो ये सारा कुछ खो रहे सी, तुसी कित्थे बैठे सी? ते साडे बच्चे तां मां नाल ये भी कहा करेंगे भी साडे दादा जी ने बड़ी अगवाई की सी, ते जेडे लोग अज घरां दे विच बैठे ने, क्योंकि इतिहास बन जा रहा है, उन्होंने असी बस बेनती करते हैं भी भाई तुसी भी इस अंदोलन दे विच भाग लो, जो ये इतिहास सिरजा जा रहा है इहदे विच इहदा हिस्सा बनो, इहदे विच शामिल हो। ओ वेखो किन्ने बजुर्ग इत्थे आके बैठे ने, है ना, मैं यही दिखा रही सी आ टेंट आ, वेखो इच किन्नी गर्मी लगती है, इत्थे पखियां दी ते कूलरां दी किन्नी लोड़ है इस टाइम ते, खास करके जेडे छोटी कूलर आ। देखो किन्निया बुजुर्ग मावां बैठिया ने, मच्छर तानू मच्छर ने तंग किया, शर्म आनी चाहिए, उन्हां नू घरों बाहर निकलना चाहिदा आ, और किसान अंदोलन नू सपोर्ट करना चाहिदा आ। मैं तुहानू सब तो ज्यादा आ देखो इन्नी गर्मी आ इत्थे, और इत्थे ए देखो ए ट्राली दे थले गद्दा ला के पए ने, और ना इत्थे कोई पखा या ना कुछ आ। किन्नी गर्मी दे विच बैठे ने, बॉर्डर दा हालात देख सको, इन्नी गर्मी दे विच इत्थे बैठे ने, और जेहड़े घर बैठे एसीआं दे कमरियां च बैठे ने, उहनां नू शर्म आउणी चाहीदी आ, उहनां नू निकल के इत्थे आउणा चाहीदा आ, और सारे किसान अंदोलन नू सपोर्ट करना चाहीदा आ। किसान एकता जिंदाबाद।